नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। एक्ट्रेस को धमकाकर मांग रहे थे फिरौती, शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों को किया गिरफ्तार। केरल पुलिस ने बुधवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया। इन चारों पर एक्सट्रॉशन मांगने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक ये चारों अपराधी साउथ इंडियन एक्ट्रेस शामना कासिम को धमका रहे थे और उनसे पैसों की मांग कर रहे थे। इसे लेकर कासिम के पिता ने पुलिस में धमकी और फिरौती मांगने को लेकर की शिकायत दर्ज करवाई थी। जानकारी के मुताबिक एक शख्स ने एक्ट्रेस के पिता को फोन किया और शादी का प्रस्ताव रखा। फोन करने वाले शख्स ने कहा कि लड़का दुबई में बिजनेस करता है और उनका परिवार केरल से ताल्लुक रखता है। बाद में छह लोग एक्ट्रेस के कोची वाले घर गए और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए वीडियो बनाई। इसी के बाद से उन्होंने पैसे मांगना शुरू कर दिया और पैसे देने के लिए मना करने पर उन्हें धमकी भरे फोन आने लगे। इतना ही नहीं, पुलिस ने जानकारी दी कि फोन करने वालों ने अपना जो पता एक्ट्रेस के पिता को बताया था वो भी फेक निकला। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने धमकी देने वालों को उनके फोन से ट्रैक करके गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि ये फिरौती मांगने वालों का पूरा रैकेट है। इस घटना के बाद शामना ने एक मलयालम न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि किसी को भी इस प्रकार के ट्रैक में नहीं आना चाहिए। मैंने इसके बारे में अपने पिता से बात की और हमने पुलिस को शिकायत की, वो किसी गैंग के लगते थे। आपको बता दें कि शामना ने साल 2007 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। वो अब तक 40 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।